Created with free version for non-commercial use. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए जो टोटका लाए हैं, आज जो हम आपको टोटका बताएंगे वो टोटका ये है कि किस तरीके से आप अपने हाथों को खूबसूरत नरम मुलायम बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने हाथों की रंगत को निखार सकते हैं, किस तरीके से आप अपने हाथों को खूबसूरत बना सकते हैं। ये टोटका बहुत ही लाजवाब टोटका है। इस बेसिकली वैसे ही आज दो हम टोटके आपको बताएंगे। अगर आप इन दोनों टोटकों को इस्तेमाल कर सकते करना चाहें दोनों को कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों टोटकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप किसी एक को इस्तेमाल कर लें, जैसा आपके लिए इजी रहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से। टोटके ये हैं कि हाथों को अगर आप चाहते हैं आपके हाथ हमेशा नरम मुलायम रहें, हाथ खूबसूरत रहें, हाथ आपके झुर्रियों से महफूज रहें, आपके हाथों पर झुर्रियां ना पड़े, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये टमाटर है, टमाटर का आपने रस लेना है। टमाटर के रस को आप जो है अपने हाथों पर रोजाना बकायदगी से लगाया करें। अगर आप टमाटर का रस नहीं ले सकते, आप टमाटर को हाफ काट कर अपने हाथ की बैक साइड पर आप मसल सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा रोजाना मसलने से। इसके अलावा हाथों को नरम मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए जो ये जैतून का तेल ऑलिव ऑयल है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोजाना। अगर आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लें और आप अच्छी तरीके से आप उससे अपने हाथों पर लगा लिया करें, जिस तरीके से आप कोई लोशन या क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, तो इससे भी आपको फायदा होगा। आपके हाथ नरम मुलायम खूबसूरत हो जाएंगे, आपके हाथों की रंगत में भी निखार आएगा। चाहे तो इन दोनों टोटकों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों टोटके आपके लिए बहुत मुफीद रहेंगे, फायदा बहुत ज्यादा होगा आपको। और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर फैलाइएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सहर कर इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। पता मुझको उसकी सजा है, तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस जमाने को अपना बनाया, तेरी रहमत ही तो आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मेरे सजदों पे ऐसी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच